माहौल बना दिया गया है, नफरतों के सौदागर आएंगे और नफरत फैला करके सियासत करना चाहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस ने सदैव आपका साथ देने का काम किया है और हम उन लोगों में नहीं जो पीठ पर खाकर भागते हैं, हम ताला सीना ठोक करके मदद करना जानते हैं। और आपने देख भी लिया होगा जब भीम आर्मी के नामियों पर मेरे दलित भाइयों का उत्पीड़न करने का काम किया तो बड़े बड़े लोगों ने बयान दे दिया था कि भीम आर्मी से हमारा कोई मतलब नहीं। हमने कहा था कि भीम आर्मी से हमारा मतलब है, हम हर मजलूम का साथ देने का काम करेंगे। और मैंने लड़ करके हमने लड़ करके हर जगह पर हमने साथियों हमने लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जरूरत इमरान मसूद की नहीं है, आज जरूरत समाज की है। आज जरूरत समाज के अंदर जो आरक्षण को समाप्त करने की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कोशिश है, आज साथियों अगर उसको सही जोड़ देना चाहते हो, आपको जानकारी अच्छी तरह से, लड़ाई हमारी और भाजपा की है, हमारी और भाजपा की सीधी लड़ाई है। हमारी और भाजपा की सीधी लड़ाई के अंदर साथियों अपने वोट का इस्तेमाल गलत मत कर देना। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सीधी लड़ाई में मुझे जिताना चाहते हो और भाजपा को हराना चाहते हो तो मुझे वोट दे दो। भाजपा को हराना चाहते हो, नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहते हो तो साथियों हमें वोट दे दो, वरना आपका वोट ना जिताने में जाए और ना हराने में जाए, इस वोट से कोई फायदा नहीं। भाई साहब लो सीट आपको दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरा धन्यवाद मेरे भाई का। मेरी माता खड़ी हुई है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मासूम बच्चे आपकी गोद में हैं, इन बच्चों का भविष्य है, इन बच्चों का भविष्य है कि ये आरक्षण की व्यवस्था अगर समाप्त करने के कुदित प्रयास जो केंद्र की सरकार कर रही है, अगर केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोबारा आने का काम करेगी तो निश्चित रूप से ये जो बार बार कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे, समीक्षा का मतलब है ये आरक्षण की समाप्ति की ओर एक कदम बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि साथियों हमारी पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव के बनाए हुए आदर्शों पर चलने का संकल्प लेने का काम किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किसी एक समाज की बबौती नहीं, किसी एक पार्टी की बबौती नहीं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र के सम्मान के प्रतीक है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, सभी के लिए सम्मानी है। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर आजाद हिंदुस्तान में हम सांस लेने का काम कर रहे हैं तो आजाद हिंदुस्तान में सांस लेने का काम उस दस्तूर, उस आईन और उस संविधान के माध्यम से कर रहे हैं जिस दस्तूर, जिस आईन, जिस संविधान को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखने का काम किया था। साथियों मैं आप साथियों आपसे कहना चाहता हूँ कि आज प्रश्न इस बात का नहीं है कि लोकसभा के अंदर लोकसभा में कौन प्रत्याशी है कौन प्रत्याशी नहीं है, आज प्रश्न इस बात का है कि सहारनपुर के अंदर साथियों आमने सामने की टक्कर हमारी और भारतीय जनता पार्टी की है। बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार तमाम कोशिश कर भी 3 लाख वोट से ज्यादा किसी चुनाव में नहीं ले पाए थे। साथियों मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप हराने का संकल्प लिए हो, जब आप संकल्प कर लिया हो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार हम देश में दोबारा नहीं बनने देंगे तो जब तक आप यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट जिताकर नहीं भेजोगे, आपके वोट का गलत इस्तेमाल, आपके वोट का ऐसा इस्तेमाल जो जीतने में ना जाए वो इस्तेमाल साथियों भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने का काम करेगा। भाजपा की और हमारी टक्कर में आपका पड़ने वाला एक एक वोट साथियों हमें ताकत देने का काम करेगा। अगर तीसरी जगह वोट डालने का काम करोगे तो साथियों तीसरी जगह पड़ने वाला वोट ना जीत का होगा ना हार का होगा, ये आप सब लोग जानते हो। और मैं भाइयों आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने बार बार एक बात कही थी, आपसे भी कही कि जब कोई आपकी लड़ाई न लड़े तो आपकी लड़ाई लड़ने को लिए आपका छोटा भाई इमरान हमेशा तैयार है और हमेशा तैयार रहने का काम करेगा।
पार्टी होगी, चार पार्टी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी के नाम के ऊपर जब मेरे दलित भाइयों का, दलित नौजवानों का, पढ़े लिखे हुए नौजवानों का उत्पीड़न इस सरकार ने करने का काम किया, हमने कहा था कि हम आपके लिए आपके लिए अपने आप को बिठाकर काम करने की जरूरत करते हैं, कुव्वत रखते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने भाई चंद्रशेखर जी का भी, जिन्होंने कहा था, जिन्होंने कहा था कि जहां इमरान का पसीना बहेगा मैं खून बहाने का काम कर दूंगा। मैं यकीनी तौर पर कर्जदार हूँ चंद्रशेखर जी का, उनके उनके इस लाइन का। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि साथी आओ आओ आओ, हम लोग इकट्ठा होकर के इस परिवर्तन के प्यार को, जिसमें हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं, जिसमें दलित और गैर दलित के नाम पर नहीं, जिसके अंदर सबको बराबरी का दर्जा हासिल हो, जिसके अंदर सबके सम्मान की बात हो, जिसके अंदर सबको साथ लेकर चलने की बात हो, दलितों में राजपूतों के अंदर साथियों संघर्ष हो रहा था तब मेरे खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, मैंने कहा था, तब भी और आज भी कहना चाहता हूँ कि मैं समाज के अंदर नफरत नहीं, मैं समाज में मोहब्बत होने वाला आदमी हूँ। मैं समाज के अंदर नफरत नहीं बनाता हूँ, मैं समाज के अंदर मोहब्बत बोलता हूँ। और अपनी इस मोहब्बत की बदौलत आज मैं आप शुक्रगुजार हूँ लखनऊ के लोगों का, अपनी माँ और बहनों का, जिस तरह मुझे तमाम जगहों पर लोग सुनते हैं, मेरे नौजवान भाइयों तुम्हारा, कि तुमने अपना आज भाई को अपना कर्जदार कर दिया, मैं अपनी जान देकर भी आपके कर्ज की अदायगी करने की कोशिश करूंगा। आपसे एक वोट की दरखास्त करना चाहता हूँ, आपसे एक वोट चाहिए मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक वोट के बदले आपकी जिंदगी भर की गुलामी इमरान मसूद आपके नाम करने का काम करता है। आपसे एक वोट की जब आवाज दोगे, जब आपको